आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉर्टिया रोटी, जो बहुत ही ट्रेंडी चल रही है आजकल। उसे किस तरीके से बिना आटा गूंदे भी आप बना सकते हैं, वो रेसिपी मैं शेयर करूंगी आज। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। इसमें 150 ग्राम मैदा मैं ऐड करूँगी। आप रोटी की क्वान्टिटी से मैदा कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी मिल्क पाउडर और थोड़ा सा हल्का नमक। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 कप इसमें जाएगा पानी एंड उसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का एंड इस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे किसी भी स्पून या स्पैचुला की मदद से या विक्सिंग की मदद से 3 से 4 मिनटों के लिए अच्छे से इसे विक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए एंड ये बैटर काफ़ी स्मूथ बन के रेडी हो। इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, इसको मीडियम रखना है। आपको आगे पता चलेगा इस तरीके का कंसिस्टेंसी आपको अपने बैटर का रखना है। इसे हम 10 मिनटों के लिए रेस्ट करने देंगे एंड 10 मिनटों के बाद हम अपनी रोटी बनाएंगे। तो 10 मिनट के बाद हमने बैटर को हल्का सा वापस से स्टर कर लिया है एंड उसके बाद हम एक पैन लेंगे। पैन को मीडियम से लो फ्लेम पे 1 मिनट तक गर्म होने देंगे। बिना किसी ऑयल और बटर का हम इसमें अपने 1 स्कूप डाल देंगे मैदे का एंड इसे अच्छे से हर तरफ से हिलाकर इसे फैला लेंगे एंड रोटी जिस तरीके से हम सेकते हैं अलटते पलटते आपको इसी रोटी को भी सेक लेना होगा एंड ये परफेक्ट रोटी जैसा ही बन जाता है। बहुत ही मुलायम, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। ये रोटी जो है वो बहुत मज़ेदार लगती है। अगर किसी ग्रेवी के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी तरीके की आगे की भी सारी रोटियां आपको ऐसे ही अच्छे से सेक लेना है। सेकते समय आपको गैस का फ्लेम मीडियम से लो ही रखना है। हाई फ्लेम पे रोटी जल्दी कुक हो जाएगी एंड थोड़ी सी अंदर कच्ची रह जाएगी। इस तरीके से फैलाने के बाद वापस इसे अलटते पलटते हुए आप सेक सकते हैं। इस तरीके की रोटी अगर आप बनाते हैं और इसे रखते हैं तो नाश्ते में बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप इसे बनाकर, इतनी सॉफ्ट रहती है, आप इसमें रोल बना सकते हैं। आजकल जो ट्रायंगल सैंडविच बहुत ज़्यादा फेमस है, आप उस तरीके की सैंडविच भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। इस तरीके के बच्चों का टिफ़िन भी आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। सो अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।